यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। देहरादून से एक और बड़ी खबर आ रही है, परिवहन निगम में ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में देरी हुई है। 2019 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है, सिलेक्शन के बाद भी नियुक्ति नहीं कर रहा है ऐसे अभ्यर्थियों की विभाग। परिवहन विभाग वित्तीय हालत खराब होने का हवाला दे रहा है, ऐसे में 2019 में जिन्होंने परीक्षा दी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, सिलेक्ट होने के बाद भी एक साल से बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, परिवहन निगम ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही है जिससे युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 2019 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। परिवहन विभाग वित्तीय हालत खराब होने का हवाला दे रहा है, ऐसे में 2019 में जिन्होंने परीक्षा दी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, सिलेक्ट होने के बाद भी एक साल से बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, परिवहन निगम ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही है जिससे युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 2019 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। परिवहन विभाग वित्तीय हालत खराब होने का हवाला दे रहा है, ऐसे में 2019 में जिन्होंने परीक्षा दी उनकी नियुक्ति नहीं हो रही है, सिलेक्ट होने के बाद भी एक साल से बेरोजगार घूम रहे हैं युवा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, परिवहन निगम ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में देरी हो रही है जिससे युवा दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। 2019 में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है।